आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। भोला भाला, जब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आती कि कौन सा वर्ड इसके लिए यूज होगा। मैंने इसके सिनोनिम्स भी दिए हैं, एंटोनिम्स भी दिए हैं, सेंटेंसेस भी दिए हैं। भोला भाला की पहली अंग्रेजी है नेव, नेव पहली अंग्रेजी। दूसरी अंग्रेजी आर्टलेस, ये सिनोनिम्स हैं सब। इनोसेंट, सिंपल हार्टेड, क्लीन हार्टेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। मैंने ये लिखा है सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स सुने, अवेयर, एक्सपीरियंस्ड, लियरी, वाइज, इंटेलिजेंट, इतने इसके एंटोनिम्स हैं। अब देखें सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस ये देखें, ऐसा भोला भाला आदमी भी किस काम का, वास्तव में लोग जीने नहीं देते, भोले भाले आदमी को जीने नहीं देते। आपने देखा होगा जंगल में भी जो सीधे पेड़ हैं वो काटे जाते हैं पहले, टेढ़े पेड़ों को तो छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके तख्ते सीधे नहीं निकलेंगे। जो सीधा सादा होगा, पेड़ सीधा होगा, उसको सबसे पहले काट दिया जाएगा। सीधे व्यक्ति का तो कहीं ठिकाना नहीं है, आजकल के जमाने में तो कोई ठिकाना नहीं है। He turned out to be an innocent person. अरे वो तो भोला भाला आदमी निकला, इसलिए कोई गलती ना करिए, वो तो भोला भाला आदमी निकला। The children are always clean hearted. बच्चे तो हमेशा ही निष्कपट होते हैं, भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं। देखें अगला सेंटेंस, ऐसा भोला आदमी भी किस काम का, सच एन आर्टलेस पर्सन, टू व्हाट पर्पस, सच एन आर्टलेस, आर्टलेस माने भोला भाला पर्सन, टू व्हाट पर्पस। आई लाइक सिंपल हार्टेड पर्सन, मुझे भोले भाले आदमी, निष्कपट व्यक्ति बहुत पसंद है। पीपल डिसीव द क्लीन हार्टेड पर्सन इजीली, लोग भोले भाले लोगों को, निष्कपट लोगों को, सीधे साधे लोगों को बहुत आसानी से धोखा दे देते हैं। डिसीव माने धोखा देना। पीपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पीपल डिसीव द क्लीन हार्टेड पर्सन, आर्टलेस पर्सन इजीली, आसानी से सीधे साधे लोगों को लोग धोखा दे देते हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू, थैंक यू।